हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉल, एक हैंडबैग हॉल जिसमें आपको मतलब ऑल पर्पस टाइप हैंडबैग दिखेंगे। लाइक आप क्रॉस बॉडी बैग भी दिखेगा, आपको हैंडबैग भी दिखेंगे, आपको स्लिंग बैग भी दिखेंगे। बिकॉज मेरे को ना कुछ टाइम से थोड़े प्रिंटेड टाइप के बैग चाहिए थे। हैंडबैग के हॉल्स तो मैंने आप लोगों के साथ में किए, लेदर बैग थे सारे, बट कभी कभी होता ना कि आपको अलग प्रिंट के कुछ क्यूट प्रिंट के बैग चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये बेसिकली मैंने अपने खुद के मनी से सारे हैंडबैग खरीदे हैं और मुझे कौन से अच्छे लगे और कौन से मुझे अच्छे नहीं लगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। मैं कौन से आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ वो भी बताऊंगी। और सारे जो हैंडबैग्स हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइन के हैं एंड डेफिनेटली आप इनको परचेस कर सकते हो। थोड़े बहुत एक्सपेंसिव भी हैं बट इट्स ओके, आप इनको इजीली सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंट में गेट कर सकते हो। सो ये हॉल ऐसा है जिसमें आपको ऑल पर्पज़ टाइप के हैंडबैग दिखेंगे और लिंक आपको इन सारे हैंडबैग का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा गाइस। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा टॉट जूट बैग जिसका ब्रांड है दिवा। सो ये मैंने बेसिकली खरीदा है आजियो से एंड इसका प्राइस आप कभी भी चेक करोगे ना किसी भी वेबसाइट पे तो दिवा ब्रांड के जो जूट बैग आते हैं 1800-900 के मिलते हैं, बट आजियो पे डिस्काउंट चलता रहता है, अभी भी सेल चल रही है आजियो पे। सो ये मैंने 585 रुपीज़ में ले लिया है। इसका ब्रांड जो है वो दिवा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें एक ही कंपार्टमेंट आपको मिलता है और एक बड़ी सी लेस आपको मिलती है, और ये इस टाइप से आप छोटे स्ट्रैप के साथ में भी इसको कैरी कर सकते हो, और इसके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये टसल्स टाइप आता है। सो जूट के बैग जो है वो बेसिकली बीच एरिया पे जब आप घूमने जाते हो तो उस आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं, या बहुमिया लुक आपको क्रिएट करना हो या बहुमिया ड्रेसेस आप वियर करते हो तो उस टाइप के लुक के साथ में जूट बैग जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड प्राइस जो है मैंने इसका कूपन कोड के साथ में 585 रुपीज़ पे किया, जो बहुत ही अफोर्डेबल है बिकॉज दिवा ब्रांड के जो बैग है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। सो ये मैंने एक टॉट बैग खरीदा है और बेसिकली ये मेरे वीडियोज़ के साथ काम आने वाला है। आपको पता है कि मैं कितने सारे वीडियोज़ बनाती हूँ आउटफिट से रिलेटेड एंड स्टाइलिंग से रिलेटेड। सो मुझे अपनी ड्रेसेस के साथ में स्टाइल करने के लिए अलग अलग हैंडबैग चाहिए होते हैं, सो मैंने ये वाला हैंडबैग लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सा लेदर बैग, कैप्रिज़ ब्रांड का है ये, एंड यू नो इसका प्राइस हमेशा 3000 रुपीज़ समथिंग कुछ रहता है, बट इसको मैंने ओनली 1206 रुपीज़ में ख़रीद लिया है फ्रॉम मिंत्रा। एंड बहुत ही अच्छा लेदर है इसका, और ये डस्की पिंक कलर जो होता है ना उस टाइप का कलर है। आपको स्ट्रैप मिलती है, इसके अंदर आपको वन कंपार्टमेंट फ्रंट पॉकेट में मिलता है, सेकेंड कंपार्टमेंट मिलता है, दो स्मॉल पॉकेट मिलती हैं यहाँ पे, एंड एक और कंपार्टमेंट आपको मिलता है, सीक्रेट पॉकेट भी आपको मिलती है और बैक साइड में भी आपको पॉकेट मिलती है। सो अगर इसकी लेदर की बात करूँ तो सिंथेटिक लेदर है, बट बहुत ही गुड क्वालिटी का जो सॉफ्ट लेदर होता है ना उस टाइप का लेदर है ये। बेसिकली मैंने अपने जब मैं आउटिंग पे जा रही हूँ या पार्टी के लिए जा रही हूँ तो आपको पता है कि मेरा छोटा बेबी है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा सामान कैरी करना पड़ता है मुझे, तब उसके लिए मैंने ये हैंडबैग लिया ताकि इसमें मैं अपना सामान और उसका सामान भी रख सकूँ, बिकॉज इसमें जो है बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट है। एक हूबो बैग तो नहीं बोलेंगे बट हूबो बैग से थोड़ा सा छोटा कलेक्शन का बैग है। सो मुझे कुछ क्यूट कलर में कुछ हैंडबैग चाहिए था, सो ये वाला हैंडबैग मैंने खरीदा है। मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, आप इस टाइप का बैग जो है ऑफिस में लेके जा सकते हो इजीली, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो या पार्टी के लिए जा रहे हो और आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो ये वाला बैग एकदम परफेक्ट है, लुकिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको सेल के अंदर 1206 रुपीज़ में ख़रीदा है, विदाउट सेल इसका प्राइस 3000 या 4000 रुपीज़ भी रहता है, बट आप इसको सेल के अंदर इजीली 1206 रुपीज़ में गेट कर सकते हो। सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपको 2 से 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर भी है एंड येलो कलर भी है, सो इसमें 2-3 कलर देखने को मिलेंगे, बट मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद आ रहा था इसलिए मैंने ये वाला कलर पिक किया है। जो नेक्स्ट क्यूट बैग के अंदर मैं दिखाने जा रही हूँ ये कैप्रिज़े का बैग फ्लोरल डिज़ाइन का। ये मैं आप लोगों के साथ मेरा जब मिंत्रा हैंडबैग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट क्यूट बैग कलेक्शन है सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों को पता है कि ये मैंने बैग 865 रुपीज़ में ख़रीदा था, सो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैंने इसको ख़रीद लिया है। बहुत ही क्यूट है, फ्लोरल डिज़ाइन का है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ये मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट मेरे को दिखाना था कि क्यूट बैग में ये भी मेरा कलेक्शन है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट फर्दर जो दिखाने जा रही हूँ ये भी एक टॉट बैग है, ये चुंबक ब्रांड का बैग है एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज इस टाइप की प्रिंटेड हैंडबैग जो है वो अगर आप लोकल मार्केट से खरीदोगे तो मे बी आपको 300 या 200 में मिल जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ ये चुंबक ब्रांड के, एंड आपको पता है कि चुंबक ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, दैट्स वाई मैंने इसका प्राइस जो है वो 856 रुपीज़ पे किया है, वो भी सेल के अंदर, विदाउट सेल इसका प्राइस 1000 रुपीज़
1000 rupees एंड 1200 समथिंग कुछ रहता है, बट इसकी क्वालिटी अमेजिंग है. लाइक ये जो स्ट्रैप है ना वो आपको लेदर के मिलते हैं, अंदर आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है इस टाइप से. एंड इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही बड़ा बैग है. इसमें आपकी 3 ड्रेसेस आराम से आ जाती हैं एंड उसके साथ में आप अपना थोड़ा मेकअप का सामान रख सकते हो. सो बेसिकली मैं जब मार्केट जाती हूँ या फिर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ छोटी मोटी आउटिंग के लिए, तो ये मुझे इस टाइप के बैग अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सामान कैरी हो जाता है. सो इसकी क्वालिटी, इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आप इस टाइप के बैग लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हो, बट मुझे चुंबक ब्रांड का चाहिए था क्योंकि बिकॉज इसका जो एलिफेंट प्रिंट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा. दैट्स वाई आई पिक फ्रॉम मिंत्रा, एंड चुंबक का मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव खरीद लिया. सो ये इस टाइप के बैग जीन्स टॉप के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुर्ते के साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं. आप चाहो तो इस टाइप के बैग कॉलेज में भी कैरी कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सामान कैरी करना है तो बहुत ही क्लासी लगते हैं इस टाइप के बैग. सो ये मैंने 856 रुपीस का खरीदा है इन द सेल. नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एक्चुअली क्या है ना, जब हम लेदर पे क्यूट प्रिंट की बात करते हैं तो डेली ऑब्जेक्ट एक ब्रांड है एंड चुंबक एक ब्रांड है. जो ब्रांड जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है कि आपको लेदर में प्रिंटेड क्यूट कलरफुल प्रिंट डिज़ाइन के हैंडबैग मिल जाते हैं. सो मैंने ये बैग राउंड शेप का आप देख रहे हो डेली ऑब्जेक्ट का, ये मैंने ख़रीदा है मिंत्रा से. एंड इसका जो ब्रांड है वो डेली ऑब्जेक्ट है. सो इस टाइप से आप में आपको ये जिप वाला बैग मिलता है राउंड शेप का, एंड इस टाइप से आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर अपना फ़ोन, छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो. सो इसका प्राइस जो है वो 3000 rupees है, बट हमेशा मिंत्रा पर इसका प्राइस जो है 1200 rupees रहता है. और सेल के अंदर भी आप इसको ईजिली 1000 rupees में गेट कर सकते हो. इससे नीचे आपको ये बैग कभी भी नहीं मिलेगा. सो मुझे ये प्रिंट, अगर इसकी मैं प्रिंट की बात करूँ तो फोटो में इमेज में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, एंड मुझे लेदर में प्रिंट चाहिए था. वाकई अपने वीडियोस के लिए ऐसे हैंडबैग चाहिए थे एंड मैं बाहर भी लेके जा सकूँ थोड़ा स्टाइलिश लगने के लिए. सो मुझे ऐसे बैग चाहिए थे, बट थिंग इज़ दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बैग में ऐसा क्या है जो इसका प्राइस इतना महंगा है, बिकॉज ऑफ इसका ब्रांड की डेली ऑब्जेक्ट है. इसका जो मटेरियल है वो जो प्लास्टिक विद लेदर आते हैं ना, पॉलिएस्टर लेदर, उस टाइप का इसका मटेरियल है. और ये हार्ड वाला आपको स्टड मिलता है यहाँ पे. सो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. इसका जो स्ट्रैप है वो बहुत ही गुड क्वालिटी के लेदर का है, बट अंदर से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इतना भी कोई सुंदर या इतना भी बहुत हाई क्वालिटी का बैग नहीं है जो उसका प्राइस आप 1000 rupees कुछ पे करोगे. बट थिंग इज़ दैट कि अगर आपको लेदर में क्यूट प्रिंट चाहिए तो डेली ऑब्जेक्ट एंड चुंबक ब्रांड के आते हैं. सो डेली ऑब्जेक्ट का ये बैग है. सो लेदर में प्रिंट बहुत ही कम ब्रांड्स के अंदर मिलते हैं. या तो आपको जो कैनवास मटेरियल होता है उसमें प्रिंटेड डिज़ाइन बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, बट अगर जहाँ पे लेदर की बात आती है और क्यूट प्रिंट की बात आती है तो वो बहुत ही कम ब्रांड्स होती है जिसमें आपको मिलता है. सो बेसिकली डेली ऑब्जेक्ट ऐसे बैग्स निकालते हैं, इस वजह से इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. 1000 rupees मैंने इसका कुछ पे किया है, बट आई थॉट कि यार 1000 rupees मुझे सिर्फ एक इतने से बैग के लिए. सो अगर आप ये वाला बैग खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, क्वालिटी जो है वो मीडियम है. बट थिंग इज दैट कि अगर आपको लेदर में क्यूट प्रिंट चाहिए तो आप डेफिनेटली इस टाइप के बैग को खरीद सकते हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है. लुकिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्टड क्वालिटी का है, मटेरियल अच्छा है, अंदर से इतना कुछ खास नहीं है, बट इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 1000 rupees, जस्ट बिकॉज की डेली ऑब्जेक्ट बहुत ही क्यूट बैग निकालता है लेदर पे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मनी पे करना पड़ता है. सो मैं इसको रखूँगी बिकॉज मुझे ऐसा बैग चाहिए था इसलिए, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसका क्यूट डिज़ाइन लगा. अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेसिकली आप इसको खरीद सकते हो. इसकी क्वालिटी इतनी भी बेकार नहीं है, अच्छी है, मीडियम रेंज की क्वालिटी का बैग है. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इतना एक्सपेंसिव बैग में आप बजट ना खराब करें, इसकी बजाय आप 1000 rupees में बहुत ही अच्छी ब्रांड्स के बैग खरीद सकते हो. नेक्स्ट बैग मैं अगेन आपको दिखाने जा रही हूँ डेली ऑब्जेक्ट का बैग. सो मैंने आपको बताया कि डेली ऑब्जेक्ट लेदर में बहुत ही प्रिंटेड बैग निकालता है. सो इसके स्लिंग बैग राउंड शेप में, ओवल शेप में, इस टाइप से स्क्वायर शेप में आते हैं. सो ये भी एक स्लिंग बैग है, इस टाइप से जिप के साथ में आता है, एक स्ट्रैप मिलती है, उसकी स्ट्रैप मैंने लगा दी थी. इसकी स्ट्रैप मैंने लगाई नहीं है अभी तक, वो सेम क्वालिटी की स्ट्रैप है. और इसके अंदर आपको ये दो कंपार्टमेंट मिलते हैं स्मॉल, और इसका साइज आप देख सकते हो. सो ये वन हैंड जितना होता है ना उसका इसका हाइट है, और ये इसका जो लेदर का जो स्ट्रैप है वो पिछला वाला जो मैंने आपको बैग दिखाया था उसी क्वालिटी का है. बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी का स्ट्रैप है, बहुत ही गुड क्वालिटी का स्ट्रैप है. लाइक 3 से 4 साल इस स्ट्रैप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है. अगेन ये लेदर पे आपको स्ट्रॉबेरी प्रिंट का बैग मिलता है. सो
इस टाइप के प्रिंटेड बैग आपको कम से कम 100 पीसेज आपको मिंत्रा पे देखने को मिल जाएंगे प्रिंटेड डिज़ाइन के। बहुत ही क्यूट प्रिंट होती है, बट अगेन इसकी जो क्वालिटी है वो मीडियम लगी मुझे। एंड इनके साथ में कोई प्राइस टैग वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, सो आप ये सोचोगे कि बहुत ही हाई क्वालिटी के बैग है। पता नहीं डेली ऑब्जेक्ट इस पर लिखा हुआ है, बट आई कांट से कि ये ओरिजिनल डेली ऑब्जेक्ट बैग है, बिकॉज इसके साथ में मुझे कोई प्राइस टैग नहीं मिला। बट इसकी जो क्यूट प्रिंट है, दैट्स वाई आई पिक्ड इट। बट ये वाला बैग जो है ना, वो मैं रिटर्न कराऊंगी, बिकॉज उसका मटेरियल भी वैसा ही है, ओके, इसका मटेरियल भी ओके, बट थिंग इज दैट कि मैंने इसका 1100 रुपीज़ में मैं अदर गुड क्वालिटी के स्लिंग बैग खरीद सकती हूँ, दैट्स वाई मैं इसको रिटर्न करवाऊंगी, बिकॉज इसका प्रिंट बहुत क्यूट है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ या फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ओके, बट प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, दैट्स वाई आई विल रिटर्न इट। एंड मैं आपको भी ये बैग सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्यूटनेस की वजह से, लेदर पे क्यूट प्रिंट की वजह से मैंने पिक किया था। मैंने सोचा था मेरी वीडियोस में काम आएंगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं बाहर आराम से कैरी करके जाऊँगी, अच्छे लगेंगे, बट इतना मनी पे करना वो भी एक प्रिंटेड बैग के लिए अच्छी बात नहीं है, दैट्स वाई आई विल रिटर्न इट। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट बैग, दैट इज स्लिंग बैग, जो कि दिवा ब्रांड का है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसको एक स्मॉल वॉलेट आता ना उस टाइप का समझ के इसको ऑर्डर किया था सेल के अंदर, बट इसका जो साइज है बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया, आप देख सकते हैं। सो मुझे इसकी साइज़ को लेके एंड इसके प्रिंट को लेके मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। लाइक ये जूट टाइप का जो कैनवास का मोटा वाला थ्रेड वर्क वाला जो मटेरियल होता ना, उस टाइप का मटेरियल है, ये दिवा ब्रांड का है। एंड इसका प्राइस मैंने 497 रुपीज़ पे किया है। सो आप देख सकते हो कितना क्यूट प्रिंट का मोटे थ्रेड वाला ये बैग है, जूट टाइप का बैग है। सो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। एंड इसके साथ में आपको एक चेन टाइप की स्लिंग बैग का मिलता है, एज ए स्लिंग बैग भी इसको कैरी कर सकते हो, एज ए वॉलेट भी इसको कैरी कर सकते हो। रिजनेबल प्राइस के अंदर मुझे इतना क्यूट मटेरियल का इतना क्यूट बैग मिला है। ये देखो आप, इसके साथ में चेन आती है, एंड चेन की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। सो इस टाइप के बैग बेसिकली आप मार्केट जा रहे हो या बीच एरिया पे जा रहे हो, तो इस टाइप के क्यूट से बैग आप साथ में कैरी करोगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि कलरफुल सी वाइब्स देता है। तो मुझे ये बैग बहुत ही अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप एक इस टाइप का बैग खरीद रहे हो जो वॉलेट का सामान भी आ जाए, थोड़ा बहुत आपका मेकअप का सामान भी आ जाए, या छोटा सा कुछ भी वॉलेट वगैरह रखना हो तो वो भी आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट बैग है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। सो ये वाला बैग मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ एक गुड रेंज के अंदर। एंड हो सकता है कि विदाउट सेल इसका प्राइस 600-700 रहे, बट आप इसको 497 रुपीज़ में भी गेट कर सकते हो जब भी मिंत्रा पे ऑफ चले तब। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्रॉस बॉडी बैग। सो ये भी अगेन डेली ऑब्जेक्ट से है, बट इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है डेली ऑब्जेक्ट का। बट थिंग इज दैट कि मुझे इसका जो टैगलाइन था, शॉपिंग इज माई कार्डियो, इसलिए मुझे ये पसंद आया। इसमें इस टाइप के क्रॉस बॉडी बैग आपको अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे खूब सारे डेली ऑब्जेक्ट के बैग देखने को मिलेंगे इस टाइप के। सो इसमें बहुत ही अलग अलग प्रिंट के आते हैं, और कुछ जो है विदाउट प्रिंट के आते हैं, जिस पे डेली ऑब्जेक्ट का साइन होता है। सो मुझे बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो प्रिंट है, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये खरीदा। एंड इसका जो मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो जो सिंथेटिक लेदर होता है वो इसका मटेरियल है। इसके साथ में आपको एक जिप मिलता है, जिसमें आप अपना, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये फ़ोन के शेप में आता, तो आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हो, इसमें 3-4 कार्ड रख सकते हो यहाँ पे, एंड बैक साइड में भी आप अपने कार्ड्स रख सकते हो, शॉपिंग कार्ड्स जो होते हैं, वीज़ा कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड्स वगैरह, वो रख सकते हो। यहाँ पे डेली ऑब्जेक्ट का साइन आया है अंदर की साइड में। और अगर मैं इसकी चेन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी वाली चेन है, एंड ये जो स्ट्रैप है वो भी बहुत ही अच्छे वाले लेदर का है। सो इसका जो बेसिकली प्राइस है वो भी 1200 रुपीज़ है। पता नहीं डेली ऑब्जेक्ट के जितने भी बैग वो 3000 रुपीज़ के आते हैं, बट इन पे हमेशा डिस्काउंट रहता है, तो वो 1200 रुपीज़, इससे नीचे वो कभी भी प्राइस नहीं कर सकते। सो इसको मैंने, जो आप पेमेंट वगैरह करते हो गूगल पे फोन पे, तो मुझे मिंत्रा पे 200 रुपीज़ का कुछ कूपन मिला था, तो वो यूज़ करके मैंने इसको 917 रुपीज़ में ख़रीद लिया। सो बेसिकली ये भी बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट थिंग इज़ दैट कि लेदर पे क्यूट प्रिंट था डेली ऑब्जेक्ट का बैग का, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। एंड मुझे जो उसका टैगलाइन है, शॉपिंग इज़ माई कार्डियो, क्योंकि ये मेरे पे सूट करता है, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा, बाकी कोई दूसरा पर्पज़ नहीं था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको इस टाइप से हैंग करते हो तो इसकी जो लुकिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रीटी आती है। यू नो, क्रॉप टॉप के साथ में मैंने अपना एक पिक्चर लगाया था, आपने देखा होगा, तो टॉप के साथ में जब आप इसको क्रॉसली हैंग करते हो अपनी बॉडी पे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड बहुत ही कम सामान आपको रखना होता है, लाइक आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो बट आपको कोई सामान कैरी नहीं करना, तो उस टाइप के बैग बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बेसिकली मैंने इसको अपने वीडियोज़ के लिए, एंड कहीं मैं जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना है, उसके लिए मैंने ये पिक किया। मैं इस टाइप के बैग को आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको ऐसी टैग लाइन
और लेदर पे प्रिंट उस टाइप के बैग आपको पसंद हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। प्राइस इसका थोड़ा एक्सपेंसिव है, 917 रुपीज़, बट आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मुझे पसंद था तो मैंने लिया, बट कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि इतने महंगे बैग दिखाएं, हमको नहीं लेने। यार वो अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको लेने हो तो आप ले लीजिए। मुझे पसंद आया, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट मुझे चाहिए था इसलिए मैंने ख़रीदा। आप चाहो तो आप भी खरीद सकते हो। बाकी के जो दो बैग थे उसके लिए मैंने आपको डेफिनेटली मना कर दिया कि यार इस टाइप के बैग लेने का कोई मतलब नहीं है, प्राइस मतलब पे करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप जो कैनवास के कपड़े में क्यूट प्रिंट आती है वो भी ले सकते हो, आपको आराम से 400-500 रुपये में मिल जाएंगे। अगर इस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमें एक रीजनेबल प्राइस में क्यूट प्रिंट के बैग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए डेफिनेटली वैसा वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए 6 से 7 बैग लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा कि मैंने इतना अच्छा क्यूट कलेक्शन दिखाया, बट थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट ब्रांडेड बैग हैं तो आपको थोड़ा सा अमाउंट तो ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को ब्रांडेड बैग भी चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में विदाउट ब्रांड भी कोई बैग हॉल देखना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ये सब बैग बेसिकली मैंने अपने लिए मंगाए हैं, बिकॉज मुझे ऐसे बैग चाहिए थे। मेरे पास कुछ कलेक्शन लेदर बैग मेरे पास खूब सारे हैं, बट मुझे कुछ क्यूट प्रिंटेड डिज़ाइन काइंड ऑफ बैग चाहिए थे, क्योंकि वैसे बैग मेरे पास बहुत कम है एंड मुझे अपने वीडियोज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अलग अलग आउटफिट के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई आई पिक दिट। एंड अगर आप ऐसा कोई अफोर्डेबल हॉल देखना चाहते हो तो भी मुझे बताना। अगर वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मेरी जो टिप्स थी आपको सजेशन करने की वो कैसी लगी, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा फैशन व्यू चेतना, वहाँ पे मेरे स्टाइल से रिलेटेड वीडियो आते हैं। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।